बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुशहाल होंगे, अल्लाह ताला को बहुत सारी खुशियों से नवाजे, आमीन। चलें आज के रिश्ते की तरफ बढ़ते हैं और जो आज का रिश्ता है वो भी हमेशा की तरह बहुत अच्छा सा रिश्ता मैं आपको लेके आई हूँ माशाल्लाह से। इनका नाम निकत है और मंडी बाउद्दीन से इनका ताल्लुक है और इन्होंने हमें ये बताया कि ये टीचर हैं, किसी कॉलेज में पढ़ाती हैं और इसके अलावा अपनी इनकी माशाल्लाह से एकेडमी है जो इन्होंने अपने घर में ही बनाई हुई है, करके ही साइड पे इनकी घर इनका माशाल्लाह से अपना है। और इसके अलावा इनका एक भाई है, इनके पेरेंट्स नहीं हैं, इनका एक भाई है, उसकी शादी हो चुकी है, उसकी शादी इन्होंने ही की करवाई है और अब ये चाहती हैं कि ये भी अपनी ज़िंदगी शुरू करें, नई ज़िंदगी शुरू करें। तो उसके लिए फिर इन्होंने हमसे रابطہ किया है तो हम उनके बारे में आपको बता रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये रिश्ता बहुत अच्छा लगेगा। माशाल्लाह से एजुकेटेड हैं, मास्टर्स किया हुआ है और कॉलेज में पढ़ाती हैं, अपनी एकेडमी ने माशाल्लाह से बनाए हुए, घर में चला रही हैं, घर बैठ के इज्जत से कमा रही हैं, रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है, अपनी गाड़ी है इनके पास। इसके अलावा भाई को भी इन्होंने गाड़ी दे दी लेकिन अब इनका भाई बरसरे रोज़गार है तो वो अपना अलग कमा रहा है। तो ये अब क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सुकून है इनकी हर तरह से, तो बस इन्हें अच्छे जीवन साथी की चल तलाश है। तो इस दुआ के साथ ही अल्लाह करे कि इनकी तलाश पूरी हो जाए। तो अगर ये रिश्ता आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कांटेक्ट करें, ईमेल करें या कमेंट करें, अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करें तो हम आपकी ये इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंचा देंगे। तो उम्मीद है कि ये रिश्ता, आज का रिश्ता आपको बहुत पसंद आया होगा, यकीनन अच्छा रिश्ता है और अच्छे रिश्ते मुश्किल से ही मिलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए ठीक है तो आप कॉन्टेक्ट करें, इनसे रابطہ करें और फिर इनसे मज़ीद मालूमात ले लें, जितनी मालूमात आप लेना चाहते हैं। ज़ाहिर सी बात है, दिल की तसल्ली करने के बाद और मालूमात लेने के बाद ही अगला स्टेप आगे करना चाहिए, ये तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ। और एक और बात याद रखिएगा कि ज़िंदगी में हर चीज़ हमेशा परफेक्ट नहीं होती, कुछ चीज़ों में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो हर चीज़ 100% परफेक्ट तो नहीं होती, बट आपको फिर भी छानबीन करके करना है, अच्छे तरीके से दिल की तसल्ली करके करना है। मेरी आप लोग बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको खुशहाल रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।